मैं वचन देता हूं बसो कल्याण में टिप्पू सुल्तान का पूजा नहीं हो सकता, सिर्फ बसवेश्वर महाराज की पूजा हो सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज का पूजा हो सकता। मेरा भाई विजय सिंह ये आवाज सुन लो, विजय सिंह आवाज सुन लो, अगर टिप्पू सुल्तान का अगर उधर पूजा होना है तो सिर्फ चंदू सागर मरने के बाद, सिर्फ चंदू सागर के मरने के बाद। ओम श्री गुरु बसव लिंगाय नमः। अक्षय तिथि, बसव जयंती तथा ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। युवा नारवा कूडल संगम देवा। बसवेश्वर जी ने बड़ी सरलता से विश्व की पहली क्रांतिकारी जातिवाद को खत्म करने वाली क्रांति भूमि बसव कल्याण से माजी शासक शरणु सलगर जी जो विवादात्मक बयान टीपू सुल्तान की जयंती यहाँ पे या टीपू सुल्तान की पूजा यहाँ पे मैं नहीं मनाने दूंगा ऐसा एक जो भाषण दिया था, इस भाषण से इस स्टेटमेंट से लोग बड़े ही भयभीत और बसव कल्याण की आवाम नाराज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इस क्रांति भूमि पे बसव जयंती भी मनाई जाती है, शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई जाती है, बोमगेटेश्वर की जयंती मनाई जाती है, सभी ही ये बड़ी एक दूसरे के अटैचमेंट में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए लोग यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं, बसर करते हैं। आप एक चुनावी मुद्दा को लेके आप जो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक टीपू की पूजा नहीं होगी, पूजा का कल्चर हिंदू में है, पूजा का कल्चर मुस्लिम में नहीं है, बट मैं यहाँ पे इस प्रेस के मुखांतर बोलना चाहता हूँ कि टीपू की पूजा मुसलमान ही नहीं बल्कि हम हिंदू भी इस बार 100% बड़े जोरों से शोरों से करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो भाईचारा, ये जो कल्चर है बसव कल्याण में, ये कल्चर एक बड़े जमाने से चलते आ रहा है और आप इस चुनाव के लिए ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि ऐसे भड़काऊ भाषण में ऐसे भड़काऊ व्यक्ति के इसमें पल्ले ना पड़े और आप शरणु सलगर जी आप बसव तत्व और बसवादी के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं वो यही रोके। मैं तमाम बसव कल्याण के आवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे इंसान को ना अपना वोट दे और ना ऐसे इंसान के बहकावे में आए। जय हिंद, जय कर्नाटक।